नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीमेल से जीमेल में मैसेज भेजना या कोई चीज़ आपको आपका डॉक्यूमेंट हुआ कुछ भी उसको आप सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने जीमेल आईडी को ओपन कर लेना है, जीमेल को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारा जीमेल ये ओपन हो गया, ठीक है। अब हमें किसी को मेल करना है या कोई मैसेज सेंड करना है, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है आपको कंपोज का, कंपोज वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए ये तो हमारा ईमेल आईडी है, अब किसी के भी ईमेल आईडी पे हमें सेंड करना है तो उसकी हमें ईमेल आईडी चाहिए। तो जो भी अपना ईमेल आईडी भेजता है, तो मान लीजिए जैसे कोई भी ईमेल आईडी हुआ, ये हो गया, ठीक है। इस अब ईमेल आईडी पे हमें मैसेज भेजना है, यहाँ सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मान लीजिए रिफ़ंड डाल देते हैं, रिफ़ंड इश्यूज लिख दिए, यहाँ पर मेल लिख दीजिए, ठीक है। हेलो लिख के अब हमें इस मेल को सेंड कर देना है, ठीक है। अब इस मेल को हमें देखना है कि पहुंच गया कि नहीं, ठीक है। अब हम इसको यहां से ओपन करके और देखते हैं, यहां से हम ये करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे कि वो मेल कहां आया है, यहां पे थ्री डॉट पे हमें क्लिक करना है और ऑल इनबॉक्स पे हमें क्लिक कर देना है। ये देखिए अभी जो हमने ए आर मार्ट वाले ईमेल आईडी से मैंने जो मेल भेजा है, यहाँ पे देखिए मेल आ चुका है, ठीक है। हेलो नाइन, ठीक है। आप भी इसी तरीके से अपने ईमेल आईडी से किसी को भी दूसरे ईमेल आईडी पे मैसेज भेज सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, आप भी इसी तरीके से भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।